नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है। जब जब बस्तर पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आई है तो व्यापारिक संस्था बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा आगे बढ़कर सहयोग किया है। जनहित के मुद्दों पर भी हमेशा इस संस्था ने मुखर होकर अपनी आवाज उठाई है। कोरोना के इस भीषण काल में फिर से एक बार बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज डिमरापाल पहुंचकर जरूरी सामान के रूप में अपना सहयोग दिया। संस्था ने 50 पीपीई किट, 50 N95 मास्क, खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें, सैंपल कलेक्शन के लिए 210 कंटेनर मेडिकल कॉलेज को दिए। इस अवसर पर विधायक रेखचंद्र जैन, डॉक्टर संदीप सिंह, नवरत्न जलोटा, कोमल महावर, शिखर मालू, चंद्रेश चांडक, मोहर झा, विमल बोथरा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। की बात है तो ये अभी ख़त्म होने की इसकी संभावना नहीं है, ये काफ़ी लंबा चलेगा। और जिस तरीके से अभी तक हम सभी ने अपने निर्देशों का पालन किया है या जो नियम है जिसके तहत ये मतलब यहाँ अपने बस्तर क्षेत्र में ये नहीं फैला है, तो उसका पालन उसी तरीके से ही करते रहना पड़ेगा और करना चाहिए जिस तरीके से अभी तक हम लोग करते आए हैं। और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी जागरूकता के लिए काफ़ी किया है, जैन समाज ने भी लगातार कंप्लेंट्स के माध्यम से और सहयोग के माध्यम से, या बोलना चाहिए कि खाद्यान्न या मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने बहुत सी किट जो है वो खाने की यहाँ पे सप्लाई की है और लगातार हम लोग कर ही रहे हैं। और पूरे टाइम में जैन समाज भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। चैम्बर ने भी जागरूकता लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, पम्पलेट्स भी बांटे और भोजन की व्यवस्था की है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी काफ़ी बड़ी राशि जो है वो बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी दी है। और जैन समाज लगातार कंटिन्यूस काम कर ही रहा है और प्रतिदिन जहाँ से भी हमारे पास कोई ऐसी खबर आती है जहाँ सहयोग की ज़रूरत रहती है तो वहाँ जैन समाज के लोग जाके प्रत्यक्ष रूप से उसको सहयोग करते हैं। कि आपको कुछ ज़रूरत है, किस चीज टाइप की किट जरूरत है, तो काजा साहब ने कहा कि हमें इस टाइप की सामान की ज़रूरत है, वही सामान हमने उनको अलॉट कराया है। यानी उनकी आवश्यकता थी तभी हमने उनको दिया। चैम्बर ने चाहा कि वो सामान मिले जो उनको आवश्यक हो, वही हमने उपलब्ध कराया उनको। इसके अलावा चैम्बर और क्या क्या गतिविधियाँ कर रही है? वैसे तो जो शासन से निर्देश जो मिलता है हम उसका पालन करवा रहे हैं और व्यापारी को अवगत कराते जाते हैं। जो जो उनसे अपडेट आता है हम वैसे हमारी बने हुए हैं, हमने ग्रुप व्यापारी ग्रुप उनमें हम अपडेट करके डालते जाते हैं कि जो भी निर्देश आते हैं व्यापारियों के, विधायक साहब से जो निर्देश मिलते हैं हमें वो हम अपडेट करते जाते हैं और उनको जागरूक करते रहते हैं कि हमको कोरोना में शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करना है। और शासन हमने वैसे तो हमने सीएम फंड में भी कुछ राशि दी, थोड़ी पीएम फंड में मिल दी और आगे भी जो सहयोग मिलेगा होगा, रेड क्रॉस सोसाइटी में भी हमारे व्यापारी दे रहे हैं, हमने भी किट बांटी, हमने भोजन किट दी और जो भी सहयोग मिलेगा होगा हम अपनी तरफ से करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अभी नंबर दिशा निर्देश जारी किए हैं हम, हमारे व्यापारी हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। और अभी जैसा लॉकडाउन की स्थिति है तो आवश्यक वस्तुओं को छोड़ के बाकी सारे बाज़ार बंद हैं, तो उस बंद की स्थिति में हम अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, इसका प्रयास हमारा है। और हम सभी व्यापारियों से निवेदन कर रहे हैं और जो बस्तर का व्यापारी है इस चीज़ को समझ भी रहा है और पूरी तरह से शासन प्रशासन के साथ सहयोग कर रहा है। आज यहाँ पे जो हम लोग आए हैं, यहाँ पे बस्तर चैम्बर ने अपने जो सामाजिक दायित्व है उस पर निर्वहन करने के लिए, पूर्व में हमने मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना अंशदान दिया था और उसके बाद हमने यहाँ पे शहर के कुछ क्षेत्रों में राशन के पैकेट भी बंटवाए थे। और उसके बाद अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में जो यहाँ पे कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हम लोग आज यहाँ पर ले कर आए और एक छोटा सा सहयोग के रूप में हम यहाँ पे मेगाज में दे रहे हैं। और साथ ही हम यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के सभी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सब का सम्मान करते हुए उन्हें चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और इस परिस्थिति में जब कोरोना संक्रमण वैश्विक लेवल पर है, ऐसी परिस्थिति में जो किट प्रदान किया जा रहा है निश्चित तौर पर इसका फायदा यहाँ मेडिकल कॉलेज को मिलेगा और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने
अपने व्यापारिक संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री केयर फंड, जिला प्रशासन को भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, उसके लिए भी बधाई है। और इस कोरोना वायरस संक्रमण में मेडिकल कॉलेज में हमारे डीन यूएस पैकरा, हमारे सुपरिटेंडेंट केएल आज़ाद, इनके कुशल नेतृत्व में सारे डॉक्टर्स, सारे पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर जो एक अच्छी तरीके से हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन किए हैं, सबको दिल से धन्यवाद है। और सबसे निवेदन भी करूंगा कि जो शासन द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाकर चलें और अनावश्यक अपने घरों से न निकलें, इसी का परिणाम है कि आज कोरोना वायरस में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अग्रणी स्थान पर आया है कि मुक्त की स्थिति में है। कि छत्तीसगढ़ में जो पेशेंट आए थे, आज धीरे धीरे करते हुए 4-5 पेशेंट बचे हैं। और बस्तर तो बहुत ही सुरक्षित है, यहाँ के चिकित्सा से जुड़े, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी लोगों के सकारात्मक अच्छे योगदान देने से अपने घर परिवार को छोड़कर जो ड्यूटी पे सब लगातार रहे, इससे हम लोग बचत में हैं। इन सबको दिल से धन्यवाद।